थी तो ऐसा था जैसे क्लास रूम में हूँ hmm. और जब मैं पाकिस्तान से निकली तो तीन मुख्तलिफ ममालिक में रही हूँ hmm. और ऐसा लग रहा था जैसे इम्तिहान के माहौल में हूँ hmm. <laughs> अल्हम्दुलिल्लाह ला तो जिस तरह से मैम ने भी बड़ी खूबसूरत डिजायन की बात बताई बहुत ज़्यादा मैं उसमें रिफ्लेक्शन देखती हूँ अपना भी क्योंकि रिजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ ठीक है और आ, वहाँ जाकर जब मैं मैंने जब नीयत की तो मेरी नीयत यही थी कि मैंने इनशाला अपने दीन को रिप्रेजेंट करना है जो कि सबसे इम्पॉटेंट चीज़ है और जब मेरे बच्चे नहीं थे जब मैं वहाँ पर गई और जब मैं गई तो मेरे अपने पर्पस को जब माशाल्लाह मेरे बच्चे हुए तो मेरा मेन पर्पस था कि इनकी तरबियत करनी है इनशाला इस्लाम के मुताबिक तो उस वक्त पर मैंने ये सोचा कि नॉलेज का मेरे पास होना बहुत ज़रूरी अलहमदिल्ला यहाँ से सीख कर गई थी जिस तरह बताया कि इम्तिहान का एक माहौल बन गया था बाहर जाके तो वो इम्तिहान ये था कि आप बच्चों को सिखाना है अल्हम्दुलिल्लाह तो वहाँ पाकिस्तान में ऐसा है कि हम लोग घरों के माहौल से बाय डिफ़ॉल्ट इस्लाम सीखते हैं लेकिन बाहर जाकर माइंडफुल हो के इवेंट को मनाना बहुत ज़रूरी होता है और वो आप आ, इल्म के बगैर नहीं कर सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आइडेंटिटी क्राइसिस भी तो होता है ना फिर आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आप जिस कबील से ताल्लुक रखते हैं यानी अगर आप जिस रिलीजन से हैं उसकी प्रोटेक्शन का बहुत सारा माहौल हम देखते हैं कि हम वहाँ के लोग बेहतर मुसलमान भी हो जाते हैं एक्जैक्टली exactly. और आप मल्टी कल्चरल जगह में जब रहते हो तो आपके ख़ुद ब खुद आपकी माइंड मेकिंग हो रही होती कहाँ पर किस तरह से क्या बात करनी है तो अलहमदिल्ला जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे hmm. किसी गैर मुसलमान लोगों में मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं किसी को इस्लाम के बारे में ज़रूर सिखाऊँ तो गैर बात ज़रूर होती थी पॉजिटिविटी की तरफ मतलब उन उनकी भी सुनती थी अपनी भी बताती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी दोस्त जब मैं गई ऑस्ट्रेलिया तो पार्क्स में अपने बच्चों को लेकर जाया करती थी वहाँ पर मेरी गैर मुसलमान दोस्त थी वो मेरे हिजाब से बहुत आ, मुतासर थी उसने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिए और मैंने भी उसको जो मेरे पास जितना इलम था मैंने उसके जवाब दिया तो हमारी पे बहस हुआ करती थी घंटे की और मैं ये खुद ही करती थी अपने बच्चों के सामने करती थी क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे टॉडलर्स थे लेकिन मैं इस चीज़ को यकीन इस बात पे यकीन रखती हूँ कि बच्चों का जो जहन होता है ना वो बहुत जहीन होता है हमसे ज़्यादा जहीन होता है तो दे कैप्चर एवरी जो माँ कर रही है वो करते हैं तो मैं उनके सामने बात किया करती थी जेंटली और तो अलहमदिल्ला अभी मेरी जब मामा का इंतकाल हुआ है अप्रैल के महीने में तो वही मेरी दोस्त उसने मुझे मामा के इंतकाल के चौथे दिन कॉल की और उसने मुझे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा इस्लाम के ना वो हो चुकी हूँ कायल और मैं इस्लाम शहादत लेना चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो उसने मुझे, मुझे इनवाइट किया आ, मतलब एक और म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उन्होंने अरेंज किया हुआ था तो उसकी शहादत का मस्जिद में उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं भी गम मना रही थी अपनी ममा का तो उन्होंने मेरा उसने मेरा हाथ भी पकड़ा और शहादत भी ली और मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी एक चीज थी अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जो मेजर चीज वो ये है फिर से वहां पर शहादत भी ली और नाम भी मेरे नाम पे रखा यानी सनाई नाम रखा अल्हम्दुलिल्लाह लाला तो हमेशा इन की की दीन के साथ और नॉलेज के साथ और जब आप जब आप डिफरेंट कल्चर्स में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी लर्निंग भी है कि बहुत आप बड़ी, बड़ी रोल एक डिफरेंटली जैसे भी हम बहुत सारे टीचर्स को देख रहे थे जिस जिस कि टीचर्स किस तरह से अपनी कम्युनिटी में रोल प्ले, प्ले कर रहे हैं तो हर शख्स रोल हर शख्स रोल प्ले कर रहे हैं

हिजाब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है मैं कैसे लूँ मैंने कहा आप सबसे पहले जिस तरह मैम ने बात की कि दुआ करें hmm. अब जब आप एम हो तो दुआ से शुरू करें hmm. मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ hmm. छोटे छोटे हैं अभी तो तो मैं कहती हूँ बेटा दुआ करें इफ यू नीड समथिंग जस्ट प्रेयर टू अल्लाह और जब उनको कोई चीज़ मिलती है तो फिर मैं उनको कहती हूँ आप शुक्र अदा करें आप इस बात का तो वो एक हम खुद भी अलहमदुल्ला मुझे ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है खुद भी मैं सीख रही होती हूँ रिवाइज हो रहा होता है माइंड मेकिंग हो रही होती है और बच्चों के भी साथ साथ अल्लाह